ये क्वेश्चन बेसिक फ्रेम को चेंज करके क्रिएट किया गया प्रॉब्लम है। अपने थ्योरी लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि कई बार एग्जाम इस तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बनाए हुए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसी केस का एक एग्जाम्पल आईआईटी के इस क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो आप पहले क्वेश्चन सुने। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ एल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम की फाइल में से मैंने पिक किया है प्रॉब्लम को। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझे, डायमेंशन का क्वेश्चन है, कैसे पुट करना है इसमें डाटा और कैसे आउटकम को चेक करना है, एक बार समझे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आईआईटी के सभी मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स ऑप्शन बेस्ड होते हैं, उनमें वन बाय वन सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ जाता है। तो क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले मैं उनकी डिटेल बना रहा हूं, आप सुने ध्यान से। मास को एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला गया है और उसी के साथ एंगुलर मोमेंटम जिसे मैं एल नोटेशन से शो करूंगा उसे भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला गया है। सो इन दो क्वांटिटी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहा गया है। इसके अलावा एक क्वांटिटी लेंथ के लिए एल डायमेंशन का यूज किया गया है। लेंथ क्वांटिटी को एल डायमेंशनल फॉर्मूले से शो किया गया है। एल और एल के बीच में कंफ्यूजन से बचने के लिए एंगुलर मोमेंटम को हम एल डैश से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो मास और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस टर्म के रूप में दिए गए हैं जबकि लेंथ को एल डायमेंशन से प्रेजेंट किया गया है। अब वन बाय वन आप ऑप्शन सुने। पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एल माइनस वन। तो यहां पर ध्यान दें कि आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है जबकि लेंथ का डायमेंशन एल है और मास और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस है। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पिक करना चाहिए जिसमें इन तीन क्वांटिटी का यूज करके लीनियर मोमेंटम को समझाया जा सके। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एल डैश इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहां पर ध्यान दें वेक्टोरियली इसे ऐसा लिखा जाएगा लेकिन चूंकि हम डायमेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस समय मैं केवल फोकस कर रहा हूं इनकी डायमेंशन पे, तो इस फॉर्म में इसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रॉब्लम में हम एक जनरल फॉर्म में इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एल डैश इक्वल टू आर पी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल गिवन है और पी मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है जबकि यह बताया गया है कि एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, इसके प्लेस पे मैं वन लिख रहा हूं। सो क्लियरली अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो जो एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशन लेस मानते हुए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो एल माइनस वन होना चाहिए। सो इस तरह से सबसे इजीली आप लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से। अदर ऑप्शंस में पावर एनर्जी और फोर्स की बातें की जा रही हैं। तो ध्यान दें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम मास और लेंथ की जानकारी के अलावा टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर लें। एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशनलेस मानते हुए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल माइनस वन कैलकुलेट किया जा चुका है। अब इस एल माइनस वन को यूज करके आइए देखते हैं कैसे हम टाइम तक पहुंचेंगे। हम जानते हैं मोमेंटम को आप मास इंटू वेलासिटी से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो मास इंटू वेलासिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल माइनस वन कैलकुलेट हो चुका है। मास को डायमेंशन लेस टर्म बताया गया है, ये बात हमेशा याद रखें कि इस प्रॉब्लम में इन दोनों क्वांटिटी को डायमेंशन लेस कहा गया है। सो मास को डायमेंशन लेस मानते हुए वेलासिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी एल माइनस वन आना चाहिए। और अब अगर मैं वेलासिटी को लेंथ अपॉन टाइम से कन्वर्ट करूं
तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले का रेशियो कुछ इस तरह से दिया जाएगा और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा एल टू द पावर टू। इस इक्वेशन में आप लेफ्ट राइट शिफ्टिंग से ये देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टू आ जाएगा। आप जानते हैं कि लेंथ, मास और टाइम को अपने हाथ में रख के अब किसी भी डिस्कशन को इजीली सॉल्व किया जा सकेगा। सो वन बाय वन आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला फोर्स देख लेते हैं। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाए तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी पी अपॉन टी। अब अगर मैं इसमें डायमेंशन पुट करूं तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है एल माइनस वन। पी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हमने कैलकुलेट किया है, ये गिवन नहीं है, ध्यान दें यहां पर। और टी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टू। और इसे सॉल्व करने पर हमें जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो एल माइनस थ्री होगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट गिवन है। अभी तक दो ऑप्शन सही हो चुके हैं। अगला हम एनर्जी को चेक करना चाहेंगे फोर्स से एफिलेटेड। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स और डिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूले के प्रोडक्ट से दिया जाना चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एल माइनस थ्री कैलकुलेट किया जा चुका है और डिस्टेंस का एल गिवन है। सो जो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी के लिए आएगा वो एल माइनस टू होना चाहिए। यह भी एक सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट आ चुका है। पावर के रूप में एक ऑप्शन दिया गया है तो आइए पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके देख लेते हैं इन कंडीशंस में। सो पावर को कैपिटल पी से मैं दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूजन न करें। मोमेंटम स्मॉल पी मान के चले, मैं इसको स्मॉल पी से प्रेजेंट कर देता हूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मोमेंटम को स्मॉल पी से दिया जा रहा है और पावर को कैपिटल पी से। तो पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले और टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले के रेशियो के रूप में। अब जो वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं मैं उन्हें पुट कर रहा हूं इसमें। सो ये बन जाएगा एल माइनस टू अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टू। और अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो ये फाइनली आएगा एल माइनस फोर। और गिवन ऑप्शन है पावर के लिए एल माइनस फाइव दिया हुआ है। सो ये एक गलत ऑप्शन है। सो जो चार ऑप्शंस गिवन है उनमें पावर को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। पावर वाले ऑप्शन में अगर एल माइनस फाइव की जगह एल माइनस फोर लिखा होता तो ये भी एक करेक्ट चॉइस होता। सो इस तरह से इस सिंपल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक फ्रेम को चेंज करके क्रिएट किया गया प्रॉब्लम है। अपने थ्योरी लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि कई बार एग्जाम इस तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बनाए हुए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसी केस का एक एग्जाम्पल आईआईटी के इस क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे हैं। थैंक यू।